सीधा हिंदी शिक्षिका एलपीएम पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्यारे बच्चों, ईश्वर करे आप स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे, मुस्कुराते रहे, आपका दिन शुभ हो। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज की कक्षा आरंभ करते हैं। आज हम सब अपनी पाठ्य पुस्तक परिवेश के कक्षा 6 के प्रकरण है एक था राम नामक कहानी का अध्ययन करेंगे और यह पाठ 4 है। ठीक है बच्चों, इस कहानी के लेखक कौन है? श्री प्रसाद जी। श्री प्रसाद जी, तो देखिए बच्चों, इस कहानी में लेखक ने क्या बताने का प्रयास किया है। प्रस्तुत कहानी में बताया गया है कि हमें सदैव अच्छी संगति को ही अपनाना चाहिए। आप सभी को पता है ना कि संगति का असर सब पर पड़ता है। अगर हम अच्छी संगति में होंगे तो अच्छे बनेंगे और बुरी संगति में रहेंगे तो बुरे बनेंगे। इसलिए हमेशा अच्छे संगति में ही रहना चाहिए। तो इसमें बताया गया है कि हमें सदैव अच्छी संगति को ही अपनाना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में संगति का गहरा प्रभाव पड़ता है। इस कहानी में भी कहानी का मुख्य पात्र राम कुसंगति में पड़ने पर अध्यापक का अपमान करता है, लेकिन अंत में उसे पश्चाताप भी होता है और वह कुसंगति छोड़कर अच्छे मार्ग पर चलने का निश्चय करता है। इस कहानी में एक बच्चा रहता है जिसका नाम होता है राम। वह बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन कुसंगति के कारण, मतलब बुरी संगति में वह पड़ जाता है। उसके कुछ दोस्त होते हैं जो अच्छे नहीं होते और वही उसे सिखाते हैं। तो जब बुरी संगति में वह पड़ता है तो इसी कारण वह अपने अध्यापक का अपमान करता है। ठीक है, तो इसी के बारे में इसमें बताया गया है। तो हमें सदैव अच्छी संगति को ही अपनाना चाहिए, क्योंकि उसका हमारे जीवन में बहुत ही महत्व होता है। तो चलिए अब इस कहानी को थोड़ा थोड़ा समझते हुए चलते हैं। आप सभी बच्चे ध्यानपूर्वक इस कहानी को समझें। इसमें बताया गया है कि राम अकेला अपने पढ़ने के कमरे में बैठा था। राम नाम का एक लड़का था जो अपने कमरे में बैठा था। घर में माँ और बहन भी थी, वे अपने अपने कार्यों में लगी थी। पिताजी 6 बजे दफ्तर से घर आए थे और 2 मिनट राम से बात करके चले गए। शायद रवि शंकर जी से माफ़ी मांगने गए थे। ये जो राम के पिताजी थे वह बहुत अमीर व्यक्ति थे और राम को इस बात का पता नहीं था कि वो उसके अध्यापक को जानते हैं और अध्यापक के साथ क्या क्या हुआ, राम ने अध्यापक का किस तरह से अपमान किया, इसके बारे में राम के पिताजी को पता चल गया था। फिर देखिए आगे क्या होता है। जब राम के पिताजी दफ्तर से आ रहे थे तभी रास्ते में किसी ने उनसे सारी बातें कह दी। आते ही वे सीधे राम के कमरे में गए और पूछा, क्या आज सवेरे परीक्षा के समय कोई बात हुई थी? राम चुप रहा। राम के पिता ने फिर कड़क कर पूछा, क्या आज तुमको तुम्हारे गणित के अध्यापक रवि शंकर जी ने नकल करते हुए पकड़ा था? तब जाकर राम ने कहा जी। राम ने जब कबूल किया तो राम के पिता ने कहा, तुमने उनसे क्या कहा? राम फिर चुप रहा। तो राम के पिता डांटते हैं, बोलते क्यों नहीं, राम की माँ और बहन भी आकर सुनने लगती हैं। तो फिर राम के पिता बोलते हैं, क्या तुमने अपने अध्यापक से यह कहा कि आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे नकल करते पकड़ने की? आपने यह गलती क्यों की? ठीक है,
तो राम के पिता ने इतना कहकर राम को डांटा। अब राम तो गलती कर ही चुका था, गणित उसका कमजोर विषय भी था, इसलिए कुछ लड़कों के बहकावे में आकर वह एक चिट तैयार करके ले गया था परीक्षा में, और जबकि उसने नकल भी नहीं किया था, केवल बुरे संगति में पढ़ने के कारण कुछ जो खराब बच्चे थे उनके बहकावे में आकर राम ने एक चिट तैयार किया और उसको लेकर वो परीक्षा देने गया और नकल करते हुए पकड़ा गया। फिर देखिए क्या होता है, गणित के अध्यापक ने उसे पकड़ा और उसके मुंह से एकाएक निकल पड़ा, किसके मुंह से, राम के मुंह से, कि आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे नकल करते हुए पकड़ने की, आपने यह गलती कैसे की, इसका फल अच्छा नहीं होगा। राम ने धमकी दिया अपने गणित के अध्यापक को, जबकि रविशंकर जो अध्यापक थे ये राम के पिता को अच्छी तरह जानते थे और राम ने नकल भी नहीं की थी, इसलिए उन्होंने चुपके से चिट छीन ली और मसल कर फेंक दी, फिर वहाँ से हट गए और उन्होंने कुछ कहा भी नहीं। नकल में पकड़े जाने पर कार्यवाही होती है, छात्र से फॉर्म भरवाया जाता है जिसमें वह नकल की बात लिखता है, इस कार्यवाही से छात्र का एक साल तो बर्बाद होता ही है। रविशंकर ने यह सोचकर उस पर कोई कार्यवाही नहीं की और राम का एक साल बर्बाद हो जाएगा और वह आगे नहीं पढ़ सकेगा, इसलिए जो गणित के अध्यापक थे राम शंकर जी उन्होंने कोई कार्यवाही नहीं की। राम के पिता बहुत रईस आदमी थे, किंतु राम इस बात को नहीं जानता था कि उसके पिताजी गणित के अध्यापक से परिचित हैं। राम के पिता बहुत अमीर आदमी थे, लेकिन वह इस बात को नहीं जानता था कि राम के पिता गणित के अध्यापक को जानते हैं, और वह यह भी नहीं जानता था कि कोई इस घटना को उसके पिता से कह सकता है, नहीं तो वह ऐसा नहीं करता। ऐसा दोष उसमें कुछ ही दिनों से आया था संग सोहबत के कारण, नहीं तो वह ऐसी गलती नहीं करता, क्योंकि राम अच्छा लड़का था और बुरे संगति में पड़ने के कारण उसने ऐसा किया। इसके बाद देखिए आगे क्या है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए अपने व्यवहार पर, मैं नहीं सोचता था कि तुम ऐसे हो, दुखी होकर राम के पिता बोले और तेजी से घर से बाहर निकल गए। राम के पिता ने राम को किस तरह से डांटा कि तुम्हें शर्म आना चाहिए अपने व्यवहार पर, तुम ऐसे नहीं थे तो ऐसा तुमने क्यों किया। उनके चले जाने के बाद माँ ने भी पूछा लेकिन राम ने कुछ नहीं बताया। इसके बाद माँ खाना बनाने चली जाती है, बहन इतनी छोटी थी कि वह कुछ पूछ भी नहीं सकती, तो राम अकेला अपने कमरे में बैठकर पश्चाताप कर रहा था और वह सोच रहा था कि मेरे मुंह से इतनी खराब बात निकली कैसे, इसमें तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाला हाल हो गया है। ठीक है, अध्यापक जी सही काम कर रहे थे और वह कह रहे थे कि गलत काम कर रहे हैं, लेकिन मैंने उनकी बात नहीं मानी। राम मन ही मन घुट रहा था कि उसने अपने अध्यापक का अपमान किया है, और वो भी ऐसे अध्यापक का जिनका कॉलेज में लोग सम्मान करते हैं। फिर राम ने सोचा, मैंने अपने अध्यापक का अपमान किया पर उन्होंने नकल वाली पर्ची अवश्य ली, लेकिन मुझे निष्कासित होने से बचाया, यदि वे फॉर्म भरवा लेते तो मेरा एक साल बर्बाद हो जाता। तो स्वार्थ में आदमी अपना विवेक खो देता है, विवेक मतलब सोचने समझने की शक्ति खो देता है, उस समय उसे उचित और अनुचित का ज्ञान नहीं होता। तो राम के साथ भी यही सब हुआ, अब वह एकांत में बैठकर सोच रहा था कि अपने गुरु का अपमान करते समय वह अपना विवेक खो बैठा, जबकि वे अपना कर्तव्य पूरी तरह से निभा रहे थे। कुछ दिन पहले की बात है, राम को याद आया कि इन्हीं अध्यापक ने कहा था, राम अपनी तैयारी अच्छी रखना, तुम्हें अच्छी श्रेणी लानी है,
यदि गणित में कुछ पूछना हो तो घर आकर पूछ लेना, संकोच मत करना, अध्यापक ने राम से कहा था। और राम कुसंगति के कारण इन सब बातों को भूल गया था। और उसके तीन दोस्त थे, भानुशंकर, त्रिभुवन और मोहन। इन तीनों को पढ़ने लिखने से कोई मतलब नहीं था और सब बड़े घर के थे, गाड़ी से आते और जाते और बहुत ही शैतानी करते, ठीक है। तो धनी होने के कारण जो प्रधानाचार्य जी थे वो भी इन तीनों के पिता से दबते थे और कुछ अध्यापक भी डरते थे, इसलिए कोई बोलता नहीं था उन्हें। फिर जब एक घंटा बीत गया तब माँ आई, बोली चलो खाना खा लो, जो हुआ सो हुआ, तुमने गलती की है, अपने अध्यापक का तुम्हें अपमान नहीं करना चाहिए। तो राम ने कहा मैं खाना नहीं खाऊंगा और वह रोने लगा कि सचमुच मैंने बहुत बड़ी गलती की और अध्यापक का अपमान किया, अब मैं मुंह दिखाने लायक नहीं रहा, मैंने कितनी बड़ी गलती की, खूब फूट फूट कर वह रोने लगा। बेटे को रोता देखकर माँ भी रो पड़ी, बहन भी रोने लगी। तभी पिता आ गए और बोले कि देखो बेटा रो मत, ठीक है, तुम्हारी आंखों से जो आंसू निकल रहे हैं वो पश्चाताप के आंसू हैं, तो एक काम करो, कल सुबह तुम अपने अध्यापक के पास जाना और उनसे माफ़ी मांग लेना, वे तुम्हें माफ़ कर देंगे, मैं उन्हीं के पास गया था। तब जाकर राम उठा और सबके कहने पर मुँह हाथ धोया और सबने मिलकर खाना खाया। इसके बाद उसका मन कुछ हल्का हो गया, और पूरी तरह तो उसका मन हल्का कल ही होगा जब वह सवेरे जाकर अपने अध्यापक से माफ़ी मांगेगा, क्योंकि वह जानता था कि उसके अध्यापक बहुत अच्छे हैं। राम ने अपने अध्यापक से माफ़ी मांगने का निश्चय किया और भानुशंकर, त्रिभुवन और मोहन जैसे साथियों को छोड़ देगा। इस बात के लिए वह क्या किया, संकल्प लिया, जिसके कारण उसके स्वभाव में बदलाव आ गया था। और जब वह विद्यालय गया तो उसने गणित के अध्यापक से माफ़ी मांगी, अब गणित के अध्यापक ने उसे माफ़ कर दिया और उसका मन पूरी तरह से हल्का हो गया था। और उसने कहा अब वह मेहनत से पढ़ेगा और अच्छे साथियों के साथ रहेगा, ठीक है। तो इसका यही मतलब हुआ कि हमें किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए और हमें हमेशा अच्छी संगति में रहना चाहिए, क्योंकि संगति का असर हमारे ऊपर पड़ता है, ठीक है। हमें सदैव अच्छी संगति को ही अपनाना चाहिए और बुरी संगति मतलब कुसंगति को हमें त्याग देना चाहिए, बस इसी के बारे में बताया है। तो आप सभी को ये कहानी अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसके अभ्यास के प्रश्नों का PDF भेज दिया जाएगा, आप सभी अपनी फेयर कॉपी में अच्छे से लिख लीजिएगा। इसके कुछ शब्दार्थ हैं, कुछ कठिन शब्दार्थ आए हुए हैं इसमें, उसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। जैसे बहकावे में, इसका क्या अर्थ होता है, बहकाना, कोई अगर बहकाता है तो उसके बहकावे में नहीं आना चाहिए। कार्यवाही का क्या अर्थ होता है, कार्य के नियम और कानून को देखना। सोहबत, चलिए कुछ कठिन शब्दार्थ लिख दे रहे हैं बोर्ड पर, आप सभी बच्चे देखकर इसे अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। इधर लिखिए शब्द और अर्थ, ठीक है बच्चों, लिखिए। सोहबत, सोहबत का क्या अर्थ होता है, सोहबत, सोहबत का अर्थ होता है संगत, ठीक है, संगति। व्यवहार का क्या अर्थ होता है, व्यवहार, आप सभी जानते हैं व्यवहार का अर्थ होता है बर्ताव, हमारा
अलग अलग होता है, कोई अच्छा व्यवहार करता है, कोई बुरा व्यवहार करता है, ठीक है। तो हमें हमेशा सभी के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। सम्मान का क्या अर्थ होता है? सम्मान का अर्थ होता है आदर। हमें हमेशा अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए, आदर करना चाहिए, ठीक है बच्चों। विवेक का क्या अर्थ होता है? विवेक, विवेक का अर्थ होता है सोचने समझने की शक्ति, भले बुरे का ज्ञान, ठीक है, भले बुरे का ज्ञान। कितना भी कोई कुछ बहकाए, हमें उसकी बात को नहीं मानना चाहिए, हमें अपने विवेक से काम लेना चाहिए, ठीक है। अगर हम समझदार हैं तो कोई कुछ भी कहे हमें उसकी बात सुननी नहीं चाहिए, हमें जो समझ में आता है बस वही करना चाहिए, अपने विवेक से काम करना चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत है, और कभी भी गलत काम को नहीं करना चाहिए। एकांत का अर्थ होता है, लिखिए एकांत, एकांत का अर्थ होता है अकेला। जैसा कि राम अपने कमरे में अकेला बैठा था एकांत में। कर्तव्य का क्या अर्थ होता है? कर्तव्य, कर्तव्य का अर्थ होता है हर्ष, मतलब कर्म, ठीक है। यहाँ पर नुक्ता लगा हुआ है बिंदी ज के नीचे। तो इस तरह से जो कठिन शब्दार्थ हैं उन्हें आप लोग अच्छे से अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा और इस वीडियो को बार बार देखिएगा तो कहानी आपके समझ में आ जाएगा, और PDF भेज देंगे तो आप सभी इसको अच्छे से लिख कर याद कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों। तो चलिए अब आज के लिए बस इतना ही। अपना ध्यान रखिएगा और घर में अच्छे से, अगर बाहर मत निकलिएगा क्योंकि आप सभी को पता है